नेक्स्ट आप आते हो एल्ब्यूगो, है ना, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोपस। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्लास ओमाइसिटीज, पर्नोस्पोरेल्स एंड एल्ब्यूजिनेसी इसकी फैमिली है। देन जीनस क्या होगा? एल्ब्यूगो। और इसका एल्ब्यूगो का स्पीसीज कौन सी आपके कोर्स में है? कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा आप पढ़ते हो, ठीक है। अब जो ये फंजाई है, क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स को इन्फेक्ट करती है, जितने भी प्लांट क्रूसीफेरी के होंगे वहाँ, और कॉन्वर्गलेसी, कंपोजिटी, एमरेंथेसी एक्सेट्रा, इन फैमिलीज़ को इन्फेक्ट करती है। एक ये है, जब आप ये बुक कर रहे हो, मार्किंग कर रहे हो इसमें, इसको एक तो अपना वो करोगे, इसको इरेज करके दोगे, ठीक है, लाइब्रेरी में जब वापस रिटर्न करोगे तो इसको क्लीन करके दोना। फिर 30 स्पीसीज इसका मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है इसके, 30 स्पीसीज हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट अकरिंग एज एंडो पैरासाइट्स ऑफ हायर प्लांट्स, दे यूजुअली इन्फेक्ट द मेंबर ऑफ फैमिली, मैंने बताया क्रूसीफेरी, कॉन्वर्गलेसी, कंपोजिटी, एमरनेंथेसी फैमिली में मेंबर्स को मिलता है। अबाउट 18 स्पीसीज ऑफ एल्ब्यूगो हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कैंडिडा, ये रहा, है ना, ये आपके कोर्स में है कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। 8 पैरासाइट्स द मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी लाइक रेडिश, टर्निप, कैबेज, मस्टर्ड एंड कॉजेस वाइट रस्ट और ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर्स, ये डिसीज कॉज करती है। ये आपको पता ही चल गया, रेडिश, टर्निप, कैबेज, मस्टर्ड एंड वाइट रस्ट और ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं? इसके सिम्टम्स एरियल पार्ट पे आते हैं, जो आपको बाहर से दिख जाते हैं, एरियल पार्ट मतलब बाहर से दिख जाते हैं, सच एज पेटियोल्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द डिसीज इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट लाइक वाइट, शाइनी, इरेगुलर पश्यूल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, विच मे ऑल्सो स्प्रेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ एंड स्टेम। कैसे दिखते हैं? लोअर सरफेस, लीफ की लोअर सरफेस पे वाइट कलर का शाइनी इरेगुलर पश्यूल्स, मतलब छोटे छोटे धब्बे टाइप के, वो नज़र आ जाते हैं। और वो फिर जब डिसीज़ बढ़ती है तो वो अपर सरफेस पे भी आना शुरू हो जाते हैं। घर में आपने देखा होगा, सरसों का साग आया, कोई पत्ते खराब हो जाते हैं तो मम्मी बोलते हैं ख़राब है, इनको हटा दो। तो वो सब क्या है? क्रूसीफर्स को इन्फेक्शन लगा है एल्ब्यूगो का। ऑन लेटर स्टेजेस सेवरल पश्यूल्स कोलरेंस टू फॉर्म लार्ज इरेगुलर इरेप्टेटेड पश्यूल्स, समझ आ गया। द होस्ट एपिडर्मिस इज रप्चर्ड एंड वाइट पाउडरी मास कम्स आउट। The infected part of the host become abnormal and abnormality may be in the form of hypertrophy. अब hypertrophy क्या होता है? इसमें पहले तो leaves को इसको infection आया, leaves पे हमें spotting दिख गई, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो infection है flower तक बढ़ना शुरू हो जाता है। अब flower में क्या होगा? Flower में hypertrophied flower हो जाते हैं इसके। hypertrophied का मतलब हुआ hyper मतलब ज़्यादा, trophied मतलब water level से जुड़ा होता है। तो इसमें फ्लावर में पानी भर जाता है, पानी भर के वो स्वेल हो जाएंगे। किशमिश देखिए, पानी में भर के स्वेल हो जाती है, ऐसे ही प्लांट का फ्लावर पार्ट जो है वो स्वेल हो जाएगा पानी भर के, और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। फ्लावर जो आगे ग्रो कर रहा होगा, वो यदि बर्ड पोजीशन में उस पर इन्फेक्शन लग गया है तो वो वहीं बर्ड ही बनी रहेगी, पानी भर जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगी। उसको हम बोलते हैं शंटेड ग्रोथ, रुक प्लांट की ग्रोथ को, या किसी भी ग्रोथ को रुकना हम बोलते हैं, रुकने को शंटेड ग्रोथ। तो जब वो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर की ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं तो वो भी नहीं होंगे, है ना, तो वो प्लांट लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो बड़े हाइपोट्रोफाइड स्टेज आ जाती है, फ्लैशीनेस मतलब ऐसा लगता है इसमें खूब सारा फ्लैश इकट्ठा, स्वेल हो जाते हैं तो अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैशीनेस हो जाता है। और द इन्फेक्टेड लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी एंड द स्टेम इज मालफॉर्म्ड, द फ्लोरल पार्ट आर ऑल्सो मालफॉर्म्ड बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन,
द सेपल्स पेटल्स स्टेमेंस कार्पल्स आर कन्वर्टेड इंटू थिक फ्लैशी स्ट्रक्चर्स। बताया मैंने, ये डायग्राम में शो भी हो रहा है ना, ये हाइपोट्रोफाइड स्टेज है उसकी रेडिश की, रेफिनस सटाइवस किसका नाम होता है, रेडिश का। द इन्फेक्टेड फ्लावर दस बिकम स्ट्राइल, स्ट्राइल मतलब फर्टाइल होता है, एक स्ट्राइल होता है उपजाऊ, और ये बांझ जिसको ये इसमें रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, स्ट्राइल हो जाते हैं फ्लावर। ऑल फ्लैशी टिश्यूज ऑफ द होस्ट आर हाइपोट्रोफाइड एंड ग्रोथ ऑफ द एंटायर प्लांट इज शंटेड। आया समझ? ऐसे ही फिर हम एल्ब्यूगो का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। द माइसीलियम ऑफ एल्ब्यूगो इज वेल ब्रांच्ड एसेप्टेट सिनोसिटिक। द हाइफल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटीन एंड द साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर एंड कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई वैक्यूल्स ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड ग्लाइकोलोजन। राइट? द सिस्टम ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन एंड ट्यूब्यूल्स डेवलप फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। ठीक है, द फंगस ग्रोज, ये फंगस कहाँ ग्रो करता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ द होस्ट टिश्यू। जिस भी होस्ट टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन करेगा उसके इंटरसेलुलर स्पेसिस में ग्रो करेगा एंड एब्जॉर्ब फूड मटीरियल, और वहीं से फूड मटीरियल एब्जॉर्ब करेगा। कल मैंने बताया था किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ नोब लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड होस्टोरिया। डायग्राम बोर्ड पे अभी भी बना हुआ है होस्टोरिया का डायग्राम, है ना, नोब लाइक स्ट्रक्चर अंदर हुआ था इंड्यूस। एंड द होस्टोरियम डिफ्रेंशिएटेड इंटू होस्टोरियल थ्रेड एंड अ सिलेंडर नेक लाइक स्टॉक। होस्टोरिया के दो पार्ट है, आगे स्वेलन पार्ट है, पीछे का नेक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने स्टॉक बोल दिया, और ऊपर का जो मोटा पार्ट है नोब लाइक है उसको हमने बोल दिया होस्टोरियल हेड। ठीक है, इन द होस्टोरियल हेड द साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड पैक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द लिपिड्स इंक्लूजन बट न्यूक्लियाई आर हाउएवर एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियाई एब्सेंट रहता है। द बेस ऑफ द होस्टोरियम इज सराउंडेड बाई अ कॉलर लाइक शीट विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द होस्ट सेल वॉल, है ना, एंड द होस्टोरियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई द एनकैप्सुलेशन। कैप्सूल बन जाता है चारों तरफ की लेयर को, क्या बोलते हैं, कैप्सूल मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा होस्टोरियल मैट्रिक्स। अब आप सोचते हो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आप कर रहे हो तो इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में जहाँ से हमारा होस्टोरिया शुरू हुआ है तो 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है तो उसमें होस्टोरिया के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखा लेते हैं। ठीक है, तो वो आप कहोगे मैडम बुक में तो होस्टोरिया का अलग से शॉर्ट नोट था ही नहीं, हमने कहाँ से पढ़ा। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में आपने देखा होस्टोरिया आया तो यहाँ से आप होस्टोरिया के ऊपर शॉर्ट नोट भी रेडी कर सकते हो। इसके बारे में आप एल्ब्यूगो आता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर तो उसमें भी आप होस्टोरिया बताओगे, अलग से आ जाता है तो वहाँ भी आप होस्टोरिया को एक्सप्लेन करोगे और उसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है, 2 या 2.5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें इसको शॉर्ट नोट की तरह पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी एल्ब्यूगो का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपने कल स्टडी किया, इसके सिम्टम्स, कौन सी फैमिलीज़ को ये इन्फेक्ट करता है, राइट। आज फिर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। पहले मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था फंजाई के बारे में कि हाइफल स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, डायग्राम में देखो, ए डायग्राम में हाइफल स्ट्रक्चर है, इस हाइफा को हम बोलते हैं वेजिटेटिव हाइफा। ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, सब आपको दिख रहा है, सिनोसिटिक होने की वजह से ही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आई। अब इसमें क्या होगा, ये हाइफा कहाँ है, होस्ट सेल के अंदर है, क्योंकि होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर चुके हैं, अंदर एंटर कर चुके हैं बाई होस्टोरिया। अब ये अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा, इनका अपर पार्ट जो है ये स्वेल होगा,
स्वेल होगा और नीचे स्वेल होके के टिप बनी, टिप बनती है प्लेट बन जाएगी। फिर इसमें डिवीज़न जो अपर सेल बनी, फिर डिवीज़न, फिर एक सेल सेप्टा डेवलप हुआ। इस तरह ये चेन बनती चली जाएगी, लेकिन बन कहाँ से रही है? नीचे से, नॉट ऊपर से। ये जो नीचे से बनती चली जाएगी, अब ये जो आप देख रहे हो डिवीज़न हुआ, नीचे से चल रहा है कटिंग और ऊपर तक धक्का दिया जा रहा है। तो जो नीचे वाले हुए वो न्यू हुए, न्यू वंस, ऊपर वाले ओल्डर वंस हुए। ये बड़े होंगे साइज में, क्योंकि इनको टाइम पीरियड और नीचे वाले हैं ये सब कैसे रहेंगे? इस मैनर को नीचे नए वाले, ऊपर पुराने वाले। आपने कहीं देखा होगा अरेंजमेंट, हम देखते हैं पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। हमारा अरेंजमेंट हमेशा यही रहता है कि किसी तरह कोई गिरे ना है। लेकिन यहाँ अपोजिट है, ओल्डर वन ऊपर है, स्मॉलर वन नीचे है। इस वाले मैनर को हम क्या बोलेंगे? एक्रोपिटल मैनर। ये यहाँ लिखा कहीं आएगा आपके पास, तो आप सोचोगे एक्रोपिटल मैनर क्या होता है। दिस इज कॉल्ड एक्रोपिटल मैनर। और जो ये स्पोरेंजियम बन रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कोनिडियो कोनिडियम सॉरी जिसमें स्पोर्स भरे हुए हैं, इसको बोलेंगे हम कोनिडियम। जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये बन रहे हैं, उसको बोलेंगे हम कोनिडियो फोर। फोर मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ऑलवेज फोर मीन्स स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ऊपर जो ये सेल बन रही है, सेल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कोनिडियम, सिंगल कोनिडियम। और ज़्यादा है तो चेन ऑफ कोनिडिया आपको दिख ही रहा है इसमें। और इसके अंदर क्या बने रहते हैं? कोनिडिया, कोनिडियम है ना, कोनिडियम के अंदर क्या बने रहेंगे? कोनिडियम है ना। फिर ये इस तरह, ये एक्रोपिटल मैनर का दिखाया। ये दोनों, ये सब आपस में किससे जुड़े रहते हैं? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्टर। ठीक है, अब क्या होगा? ये प्रेशर लगा, सब कुछ हुआ, ये पीछे से अलग होते जा रहे हैं एक्रोपिटल मैनर में। एपिडर्मिस है, ये दिखा रखा है रप्चर्ड होस्ट एपिडर्मिस। वो कैसे हुई? नीचे से इन्फेक्शन आ रहा है, रेगुलर डिवीज़न हो रहे हैं। एपिडर्मिस एक लेयर ऐसी है और इस पर पुश मारे जा रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा होगा ये फट जाएगी, तो एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी और कुनिडिया सब रिलीज़ हो जाएंगे। कुनिडिया रिलीज़ होने के बाद रेस्टिंग पीरियड में जाएंगे, चारों तरफ से अपनी एक इंसिस्टेड लेयर बना देंगे। फेवरेबल कंडीशन आने पर इसमें डिवीज़न होगा, डिवीज़न होके स्पोरेंजियम जो ये दिखा रखे हैं, जूस स्पोरेंजियम जिसको बोलते हैं, क्योंकि जूस स्पोर बनने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? जूस स्पोर। फिर ये अपने आप में किडनी शेप बनेंगे अंदर ही अंदर, फ्लैजिला डेवलप होगा, फिर फ्लैजिला मूव करेगा वापस, इस पर प्रेशर डालेगा तो जूस स्पोरेंजियम की वॉल रप्चर होगी, जूस स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। और दो टाइप के जूस स्पोर में फ्लैजिला है, टेंसिल और सिंपल। ये फैदर फैदर लगे हुए, ये टेंसिल और ये सिंपल वॉल है ना, सिंपल फ्लैजिला हुआ। जब ये रिलीज हो गया, इसको लगा फ्लैजिला ने तो अपना काम कर दिया, अब ये फ्लैजिला को डीजनरेट, फ्लैजिला डीजनरेट हो गए, ख़त्म हो गए। फिर वापस से ये ओवल शेप्ड हो गया, इंसिस्टेड लेयर हो गई, डीफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर। डीफ्लैजिलेटेड मतलब जिसके फ्लैजिला चले गए हों। फिर इसमें जर्मिनेशन होगा, जर्म ट्यूब निकलेगी फेवरेबल कंडीशन आने पर, और ये वापस से नए प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियो फोर और स्पोरेंजियो फोर। मैंने बताया ना ये कैसे बना, स्पोरेंजियो फोर या फिर कोनिडियो फोर। फिर इसी पे फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया और स्पोरेंजिया, या इसको हमने बोला जू स्पोरेंजिया, जो मैंने आपको बताया अभी वही सब है इसमें। फिर इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एल्ब्यूगो में, इसमें जो मेल यूनिट होती है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल यूनिट को हम ऊगोनियम बोलते हैं। हाइफल स्ट्रक्चर है, हाइफा है, एक मेल ब्रांच होगी और एक फीमेल ब्रांच होगी। सिनोसिटिक कंडीशन है, हाइफा है,
इसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि ऊपर का जो पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा। और जब हम इसका वेजिटेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि एसेप्टेड कंडीशन होती है, लेकिन जब भी रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होंगे, रिप्रोडक्टिव इट मे बी एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये ऊपर सेप्टा डेवलप हो जाएंगे। इसमें स्वेल हुआ, फीमेल ब्रांच का अपर टिप स्वेल हुआ, इसने बोला बनाया यंग ओगोनियम। मेल ब्रांच का अपर टिप स्वेल होगा, ये बनाएगा यंग एंथ्रीडियम, सेप्टा डेवलप होगा, अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें ये ओगोनियम स्फेरिकल शेप होता है, लार्जर इन साइज कंपैरेटिवली टू मेल, है ना, बड़ा होगा, ओवल शेप होगा। और ये क्या होगा, एंथ्रीडियम क्लब शेप होगा, लॉन्ग होगा, इलांगेटेड, वो स्फेरिकल है, ये इलांगेटेड साइज का है। इनका नियरेस्ट फॉर्म है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होगी। फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होने से, और ओगोनियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था उसमें भी, कि जो पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म अरेंज रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्म, सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं ओप्लाज्म। फिर एंथ्रीडियम का सारा सब्सटेंस जितना भी रहता है उसमें एक फंक्शनल मेल न्यूक्लियस रहेगा और डीजनरेट होंगे, और वो सब इसमें उडेल दिए जाएंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू, ओप्लाज्म के अंदर, नॉट पेरिफेरल, ओप्लाज्म। देखो डायग्राम में दिख भी रहा है पेरिफेरल और ओप्लाज्म। फिर इसमें सब चले जाएंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है 2x न्यूक्लियाई बनता है ना, 2x स्पोर डेवलप होगा, इसको ये चारों तरफ अपना क्या बनाएगा, एक्साइन और इंटाइन, ये 12th में पढ़ा भी है आपने, जो स्पाइनी लेयर होती है उसको एक्साइन और अंदर की स्मूथ वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटाइन, राइट। फिर इसमें एज इट इज जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितना हो चुका 2x, यहाँ भी अब वापस डिवीज़न होगा, म्यूसिस डिवीज़न होगा, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना, इस तरह न्यूक्लियस में 2x न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, और ये सब ऐसे ओवल शेप्ड बनेंगे, जू स्पोर बने, यहाँ फ्लैजिला डेवलप नहीं हुआ। फिर एक वेसिकल बनेगी, ये एग्जाइन है, यहाँ एक वेसिकल, आप बबल गम को करते हो ना, च्युइंगम को एक बैलून बनाते हो, माउथ से बबल बनाते हो, तो ऐसे ही एक वेसिकल डेवलप होगा और उसमें ये सब जू स्पोर्स भर जाएंगे, बाहर रिलीज होकर वापस से इन्होंने फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, 2 टाइप ऑफ फ्लैजिला डेवलप होगा, ठीक है। फिर काम हो गया इनका, मूव हो गए, उसके बाद ये फिर एंसिस्टेड कंडीशन में आएंगे और वापस से फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्म ट्यूब डेवलप होगी और इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, ठीक है, वही सब। इसमें प्लाज्मोगेमी टेक्स प्लेस, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा, दो प्लाज्मा का मिलना, कैरियोगेमी दो न्यूक्लियस का मिलना, ये वर्ड्स जनरल वर्ड हैं जो बार बार यूज़ होंगे, आप कहोगे क्या है, प्लाज्मोगेमी प्लाज्मा का मिलना, इसने इसके अंदर डाला था तो सब मिक्स हो गया था, प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ कैरियोगेमी, डिविजन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन आता है, फिजन आता है, और फिर जर्मिनेशन का ओ स्पोर। जब भी आपसे रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यू का पूछा जाएगा तो उसके अंदर आप, मान लिया क्वेश्चन आया डिफाइन द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यू को, तो सबसे पहले आप सिस्टमेटिक पोजीशन तो लिखोगे ही, चाहे रिप्रोडक्शन आए चाहे वेजिटेटिव आए। सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने के बाद आप उसके एक दो सिम्टम्स लिखोगे कि ये कौन कौन सी फैमिली को इन्फेक्ट कर रहा है, एकदम सीधा रिप्रोडक्शन पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। यदि 7.5 का लॉन्ग क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाहता है कि उसमें सब कुछ हो। फिर आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, सिम्टम्स लिख दोगे, एक आधा डायग्राम बना देना सिम्टम का कि इस फैमिली पे ये सिम्टम है, ये मैंने आपको डायग्राम बताए भी थे। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन पे आ सकते हो और उसमें इंट्रोडक्शन बताओगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है, फीमेल ये होता है, और ये आप साइकिल डायग्राम बनाओगे भी। फिर ये आप पूरी साइकिल बनाओगे, लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक और कलर डायग्राम में बनाओगे। उसके बाद आप एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये लीनियर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल,
ये बनाओगे पूरा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको लिखना है। फर्स्ट ईयर में आप आए हो तो आपको अपना पूरा एफर्ट इसमें डालना है, ठीक है। इसी तरह सारी फंजाई होंगी, जैसे पाइथियम आप कर चुके, एल्ब्यूगा आप कर चुके, नेक्स्ट आप आओगे एस्कोमाइकोटीना का सेक्रोमाइसिस, जिसमें आप फंगस को, जिसको बता रहे थे मेन, सब लोग जनरली फंगस उसी को जानते हैं, अचार मुरब्बों पे लग गई तो उसको हम बोलते हैं फंगस लग गई, लेकिन फंगस डिफरेंट तरह की होती है। अभी आपने दूसरे क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स पे जो फंगस लगी या जो इन्फेक्शन हुआ वो पड़ी। अब मेन जो घरों में हम जनरली यूज़ करते हैं वो सेक्रोमाइसिस ईस्ट होता है जो लगता है, क्योंकि सेक्रोमाइसिस सिर्फ शुगर कंटेनिंग आर्टिकल्स को इन्फेक्ट करता है, इसे बोलते हैं हम ईस्ट सेक्रोमाइसिस। तो इसके लिए हम कल आपको इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना। सेक्रोमाइसिस बहुत छोटी सी फंजाई है, अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, आती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एल्ब्यूगो में, इसमें जो मेल यूनिट होती है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल यूनिट को हम ऊगोनियम बोलते हैं। हाइफल स्ट्रक्चर है, हाइफा है, एक मेल ब्रांच होगी और एक फीमेल ब्रांच होगी। सिनोसिटिक कंडीशन है, हाइफा है, इसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि ऊपर का जो पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा। और जब हम इसका वेजिटेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि एसेप्टेट कंडीशन होती है, लेकिन जब भी रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होंगे, रिप्रोडक्टिव इट मे बी एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये ऊपर सेप्टा डेवलप हो जाएंगे। इसमें स्वेल हुआ, फीमेल ब्रांच का अपर टिप स्वेल हुआ, इसने बोला बनाया यंग ऊगोनियम। मेल ब्रांच का अपर टिप स्वेल होगा, ये बनाएगा यंग एंथ्रीडियम, सेप्टा डेवलप होगा, अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें ये ऊगोनियम स्फेरिकल शेप होता है, लार्जर इन साइज कंपैरेटिवली टू मेल, है ना, बड़ा होगा, ओवल शेप होगा। और ये क्या होगा, एंथ्रीडियम क्लब शेप होगा, लॉन्ग होगा, इलांगेटेड, वो स्फेरिकल है, ये इलांगेटेड साइज का है। इनका नियरेस्ट फॉर्म है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होगी। फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होने से, और ऊगोनियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था उसमें भी, कि जो पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म अरेंज रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्म, सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म। फिर एंथ्रीडियम का सारा सब्सटेंस जितना भी रहता है उसमें एक फंक्शनल मेल न्यूक्लियस रहेगा और डीजनरेट होंगे, और वो सब इसमें उडेल दिए जाएंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू, ऊप्लाज्म के अंदर, नॉट पेरिफेरल, ऊप्लाज्म। देखो डायग्राम में दिख भी रहा है, पेरिफेरल और ऊप्लाज्म। फिर इसमें सब चले जाएंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है 2x न्यूक्लियाई बनता है ना, 2x स्पोर डेवलप होगा, इसको ये चारों तरफ अपना क्या बनाएगा, एक्साइन और इंटाइन, ये 12th में पढ़ा भी है आपने, जो स्पाइनी लेयर होती है उसको एक्साइन और अंदर की स्मूथ वॉल इज कॉल्ड इंटाइन, राइट। फिर इसमें एज इट इज जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितना हो चुका 2x, यहाँ भी अब वापस डिवीज़न होगा, म्यूसिस डिवीज़न होगा, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना, इस तरह न्यूक्लियस में 2x न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, और ये सब ऐसे ओवल शेप्ड बनेंगे, जू स्पोर बने, यहाँ फ्लैजिला डेवलप नहीं हुआ। फिर एक वेसिकल बनेगी, ये एग्जाइन है, यहाँ एक वेसिकल, आप बबल गम को करते हो ना, च्युइंगम को एक बैलून बनाते हो, माउथ से बबल बनाते हो, तो ऐसे ही एक वेसिकल डेवलप होगा और उसमें ये सब जू स्पोर्स भर जाएंगे, बाहर रिलीज होकर वापस से इन्होंने फ्लैजिलेटेड जूस पोर, 2 टाइप ऑफ फ्लैजिला डेवलप होगा, ठीक है। फिर काम हो गया इनका, मूव हो गए, उसके बाद ये फिर एंसिस्टेड कंडीशन में आएंगे और वापस से फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्म ट्यूब डेवलप होगी और इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, ठीक है। वही सब इसमें प्लाज्मोकेमी टेक्स प्लेस। प्लाज्मोकेमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मास, दो प्लाज्मा का मिलना। कैरियोगेमी, दो न्यूक्लियस का मिलना। ये वर्ड्स जनरल वर्ड हैं जो बार बार यूज़ होंगे, आप कहोगे क्या है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का मिलना,
इसने इसके अंदर डाला था तो सब मिक्स हो गया था, प्लाज्मोगेमी। न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ, कैरियोगेमी। डिविजन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन आता है, फिजन आता है, और फिर जर्मिनेशन का ऊ स्पोर। जब भी आपसे रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यू का पूछा जाएगा तो उसके अंदर आप मान लिया क्वेश्चन आया डिफाइन द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यू को, तो सबसे पहले आप सिस्टमेटिक पोजीशन तो लिखोगे ही, चाहे रिप्रोडक्शन आए चाहे वेजिटेटिव आए। सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने के बाद आप उसके एक दो सिम्टम्स लिखोगे कि ये कौन कौन सी फैमिली को इन्फेक्ट कर रहा है। एकदम सीधा रिप्रोडक्शन पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। यदि 7.5 का लॉन्ग क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाहता है कि उसमें सब कुछ हो। फिर आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, सिम्टम्स लिख दोगे, एक आधा डायग्राम बना देना सिम्टम का कि इस फैमिली पे ये सिम्टम है, ये मैंने आपको डायग्राम बताए भी थे। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन पे आ सकते हो और उसमें इंट्रोडक्शन बताओगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है, फीमेल ये होता है, और ये आप साइकिल डायग्राम बनाओगे भी। फिर ये आप पूरी साइकिल बनाओगे, लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक और कलर डायग्राम में बनाओगे। उसके बाद आप एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये लीनियर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल, ये बनाओगे पूरा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको लिखना है। फर्स्ट ईयर में आप आए हो तो आपको अपना पूरा एफर्ट इसमें डालना है, ठीक है। इसी तरह सारी फंजाई होंगी, जैसे पाइथियम आप कर चुके, एल्ब्यूगो आप कर चुके। नेक्स्ट आप आओगे एस्कोमाइकोटीना का सेक्रोमाइसिस, जिसमें आप फंगस को, जिसको बता रहे थे मेन, सब लोग जनरली फंगस उसी को जानते हैं, अचार मुरब्बों पे लग गई तो उसको हम बोलते हैं फंगस लग गई। लेकिन फंगस डिफरेंट तरह की होती है। अभी आपने दूसरे क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स पे जो फंगस लगी या जो इन्फेक्शन हुआ वो पड़ी। अब मेन जो घरों में हम जनरली यूज़ करते हैं वो सेक्रोमाइसिस ईस्ट होता है जो लगता है, क्योंकि सेक्रोमाइसिस सिर्फ शुगर कंटेनिंग आर्टिकल्स को इन्फेक्ट करता है। इसे बोलते हैं हम ईस्ट सेक्रोमाइसिस। तो इसके लिए हम कल आपको इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना। सेक्रोमाइसिस बहुत छोटी सी फंजाई है, अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, आती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?